वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। अभी हम बात कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आप हेल्दी फूड दे दें या अनहेल्दी फूड दे दें, बड़े सिलेक्टिव होते हैं खाने के मामले में, उनके लिए क्या हो सकता है? अच्छा, ये आपने टिपिकल एक माँ वाला सवाल मेरे से कर दिया है कि वो आके वो यही ये तो कहते हैं खाता इसको जो मर्जी दे दो, बस वो कुछ नाम लेती हैं दो तीन चीजों, बस ये चीजें वो खाता है। ठीक है, अच्छा ऐसे फैक्ट है, इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि वो बच्चा कोई आपको शो ऑफ कर रहा है या कुछ होता है। एक्चुअली ये होता है कि उसमें भी आपको उसकी थोड़ी सी बिहेवियर को चेंज करना होता है। अगर आप उस पर गुस्सा करेंगे, आप उसको शाउट करेंगे कि बेटे ये खाओ ये खाओ ये खाओ, तो उससे फायदा कोई नहीं होने वाला, बल्कि आपको नुकसान बच्चे को जरूर हो रहा है कि वो मेंटली डिप्रेस और हो रहा है। तो दो तीन स्टेप्स उसके लिए करना बहुत जरूरी होता है। एक तो सबसे पहले उसका चेकअप प्लाज्मी कराएं कि कोई मेडिकल रीजन तो नहीं है, क्योंकि समटाइम बच्चे की ग्रोथ स्टंट हुई होती है, ग्रोथ स्लो भी होती है, तो उसको भूख नहीं लग रही होती और सिर्फ हो रहा होता है, तो दो तीन चीजों के लिए क्रेविंग्स उसको चल रही होती है। और एक कॉमन चीज एनीमिया का भी बहुत प्रॉब्लम, जब बच्चे को खून की कमी होती है तो बच्चे को उस वक्त भी कुछ सब चीजें अच्छी नहीं लग रही होती है, बस दो तीन चीज की क्रेविंग हो रही होती है, जो पेरेंट्स को लग रहा होता है यार ये तो बहुत ही बुरी चीजें खा रहा है और ये सिर्फ यही खाता है। ठीक है, और एक तो उसका मेडिकल चेकअप लाजमी होना चाहिए। दूसरी बात ये कि पेरेंट्स को यही सिखाते हैं हम कि एक तो आप जब उसको डाइनिंग टेबल पे बिठा रहे होते हो ना, तो अगर उसकी उसकी फेवरेट चीज उसको दे रहे हो ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आप एक चीज वीक में, डेली नहीं तो वीक में इंट्रोड्यूस नहीं करा दो उसकी डाइट में, एकदम उसको ओवरबर्डन ना करें कि ये भी खाना आपने सुबह ये खाना है, दोपहर ये खाना है, रात ये खाना है, क्योंकि ये एक सीरियस प्रॉब्लम बच्चों का होता है। अब उसकी अगर फेवरेट चीज़ आपने उसके सामने रखी है, तो उसके साथ एक छोटी सी कोई और चीज़ हेल्दी वाली चीज़ जो आप चाह रहे हो कि वो खाए इंट्रोड्यूस करा दो। अच्छा, एक दिन वो बच्चा थोड़ी सी उसको टेस्ट करेगा, नेक्स्ट डे फिर थोड़ी सी टेस्ट करेगा, अब आहिस्ता आहिस्ता उसको उस चीज़ के साथ उसका भी टेस्ट डेवलप होने लग जाएगा। ठीक है, तो अब उसको आपको इसी तरह नेक्स्ट वीक आप एक और चीज इंट्रोड्यूस करा दो, उसके लिए आपको थोड़ी स्ट्रगल और पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। दूसरा, प्लीज कभी बच्चे को कभी कोई प्रॉब्लम इस तरह हो रहा होता है तो अगर आप डांटेंगे तो उससे बजाय बच्चा उस चीज से बिल्कुल भाग जाएगा कि ये चीज मेरी। अच्छा, अगर मैंने कुछ पेरेंट्स में ऑब्जर्व भी किया कि बच्चे की प्लेट होती है ना उसको भर देते हैं, हाँ, ताकि बच्चा देखकर ही पहले भाग जाए कि मैंने इतना ज्यादा खाया। एक्चुअली हम अपने बच्चों की फूड अपनी अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं और ये बड़ा रॉन्ग स्टेप है। बच्चे को अपनी फूड, अपनी क्वांटिटी, अपना ड्यूरेशन खुद डिसाइड करना। आप 6 मंथ से ऑनवर्ड जब बच्चा होता है ना, पहले तो फीट पे होता है सिर्फ, और उसके बाद जब हम वीनिंग स्टार्ट कराते हैं तो पेरेंट्स को जो हम कहते हैं कि बच्चा अब फीड ऑन डिमांड होगा। डिमांड का मतलब ही है कि बच्चा खुद डिसाइड करेगा कि मैंने कितनी फूड खानी है और मैंने कितने गैप के बाद खानी है। हाँ, वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो बच्चे नहीं खाते, हाँ। तो फिर हम उन्हें कहते हैं एवरी 2 आवर्स आप इसको थोड़ा थोड़ा कुछ फीड देते जाएं ताकि इसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो और इसकी एपिटाइट इंक्रीज हो। ठीक है, ठीक है। और दूसरी, पिकी ईटर्स का ये है कि उनको थोड़ा सा अट्रैक्शन इंक्रीज करें। अगर आप कोई हेल्दी चीज देना चाह रहे हो ना, तो उसको थोड़ा सा फनी बना दें, थोड़ा सा बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, ठीक है, एक्साइटिंग कर दें उसको खुद। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, उनको ग्रॉसरी स्टोर्स लेके जाएं, उनको कहें बेटे यू गो एंड डू योर शॉपिंग, ठीक है, यू हैव टू सिलेक्ट, मतलब एक फ्रूट्स और वेजिटेबल खुद भी तो आप ले रहे हो ना, तो बच्चों को ऑप्शन दो जाके बेटे शॉपिंग करो। जब बच्चे खुद चीजें लेते हैं ना, तो एक तो वो अपनी च्वाइसेस देखते हैं, दूसरा वो सिर्फ माइंड बना लेते हैं कि यार ये चीज एक मैं ले रहा हूँ तो ये टेस्ट इसमें है इस तरह, और ये वो सारा कुछ वो आगे तक सोच लेते हैं। तो ग्रोसरी शॉप्स उनको लेके जाएं, उनको फ्रूट्स वेजिटेबल की शॉपिंग कराएं। अच्छा, और ये छोटे छोटे स्टेप हमें शायद लगते हैं कि कोई फर्क नहीं करते, लेकिन बहुत फर्क करते हैं। अगर वही हम बच्चे को बड़े कोई दूसरे उस तरह वाले स्टोर पे ले जाएं और हम कहें कि वो चीजें दूसरी वाली सिलेक्ट करें, तो बच्चों का रुझान उस तरफ हो जाएगा कि ये चीजें हमारे मेरे अम्मी अब्बू ले रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, तो शायद यही चीजें मुझे खानी है, इसकी बजाय उनको उन चीजों पे लगाएं। तीसरी चीज के बार बार कह रही हूँ, प्लीज प्रेशराइज बच्चे को हरगिज ना करें। जब आप प्रेशराइज कर देते हो ना, तो एक माइंड सेट हो जाता है कि यार मुझे खाने पे डांट पड़ती है तो मैंने तो इसको किसी तरह भी नहीं खाना, क्योंकि बच्चा वो फिर जिद में भी आ जाता है। वो जो पिकी ईटर्स होते हैं ना, उनमें हमारा साइकोलॉजिकल बिहेवियर उनको बनाने में आया होता है, तो जैसे ही हम अपना बिहेवियर चेंज करते हैं वो चेंज हो जाते हैं। और दूसरा, हर एक को अपने बच्चे को मेडिकली कंसल्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि समटाइम बहुत से प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो रहा होता है,
बच्चे को रिफ्लक्स वो होता है कि जिसमें ना बच्चा कुछ खा रहा होता है तो उसकी उसको फीलिंग हो रही होती है, वो वापस फूड पाइप इस फिगर्स में आ रहा है, तो आपको वो नहीं बता पा रहा कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन उससे उसको इतनी बर्निंग हो रही होती है, इतना उसको अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही होती है कि वो दोबारा वाला एपिटेट लेता ही नहीं. कुछ बच्चे यकीन करें इतने अनकंफर्टेबल होते हैं, वो माँ बाप को नहीं पता लग रहा होता क्योंकि उसको नहीं एक्सप्रेस करना आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन वो नेक्स्ट फूड से इतना भागता है कि वो कहता है कि मैं नेक्स्ट फूड मेरे अंदर जाए ही ना, मैं एम्प्टी स्टमक रह लूँ. और ये रिफ्लक्स का प्रॉब्लम बच्चों में आजकल ज़्यादा कॉमन इसलिए हो गया है कि हमने जंक फूड ज़्यादा कर दी. हम पहले होता था कि कभी कभार महीने में एक दफ़ा खा ली, फैमिली गई सारी उधर, अब हमारा हर वीकेंड और इवन हर डे, मैं सही बताऊं, कहीं भी निकल रहे हैं हम तो जी ठीक है अच्छा ये खा लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ये चीजें. तो लाजमी एक दफा कंसल्ट डॉक्टर को जरूर करें कि कोई चेकअप कराएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और फिर उसकी बिहेवियर थेरेपी आप स्टार्ट. तो अभी इसको मैसेज जो देना चाहें आज पेरेंट्स को आप. मैसेज मेरा ये ठीक देना चाहती हूँ कि हमें बहुत स्ट्रिक्टली बच्चों पे नहीं जाना चाहिए कि सिर्फ खाएं तो हेल्दी हेल्दी डाइट. आई नो आई एम पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मुझे ये बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि सिर्फ हेल्दी हेल्दी खाएं, तो इसका मतलब है कि हम बच्चे को स्टबन कर रहे हैं, जिद्दी कर रहे हैं. तो आप उसको हेल्दी फूड इस तरह इंट्रोड्यूस करा सकते हो कि आप थोड़ी सी जो खुद लाइकिंग उसको है कि मुझे ये पसंद है वो जरूर दे, उसके साथ आप अपनी हेल्दी फूड करते जाओ, दोनों चीजें आप उसको कर सकते हो. और उसमें अगर आप बच्चों को प्रॉपरली एक हेल्दी फूड किसी अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ देंगे तो डेफिनेटली वो पसंद. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बेनिश, बहुत शुक्रिया. जनाब आज का इतना मजेदार सी डिस्कशन हमारा करने का मकसद यही था कि आप अपने बच्चों की सेहत का इस तरह से ख्याल रख सकते हैं कि आप उन्हें हेल्दी फूड दें. अनहेल्दी और हेल्दी में डिफ्रेंशिएट करना ये आपकी जिम्मेदारी है एज अ पेरेंट, और बच्चों को भी इतना मार्जिन दें कि वो अपनी पसंद की चीजें जरूर खाएं लेकिन ज्यादा हेल्दी फूड खाएं. अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह से हमारी आपकी और हमारी मुलाकात होगी कल. हमें फेसबुक पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जागो लाहौर के नाम से पेज है, और इनके साथ का शो अगर आपने मिस किया है तो शाम 5 बजे और रात 1 बजे रिपीट भी होगा, और हमारे यूट्यूब चैनल जागो लाहौर पर भी अवेलेबल होगा. आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.